फंक्शन के देखे जाए तो वन कार्बन मेटाबॉलिज्म के रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कुछ कंपाउंड जैसे कि मिथाइल फॉर्माइल को एक जगह से एक्सेप्ट करता है, दूसरी जगह पर डोनेट करता है, तो ये इस तरह का इसका रोल होता है। फिर आगे देखा जाए इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो मुख्तलिफ तरह की चीजें अटैच करने पर हम इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स के नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर N5 मिथाइल, ये देखें N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और N5 10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। इन मुख्तलिफ फॉर्म्स के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली फॉर्म है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ब्लड के अंदर भी सबसे यही पाई जाती है और एक्यूमुलेट भी फोलेट ट्रैप में यही वाली फॉर्म होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेथियोनिन सिंथेसिस फ्रॉम होमोसिस्टीन, यानी होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करते हैं इंटू मेथियोनिन। दूसरों को भी देख लेते हैं, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट प्योरीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं और जो N5 10 मेथियोनिन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसका काम होता है थायमिडिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन और इसी तरह से सेरीन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तीनों जो है प्योरीन सिंथेसिस हो गया, पिरिमिडीन सिंथेसिस हो गया, थायमिडिन सेरीन फॉर्मेशन हो गया, ये सारे अपनी अपनी जगह पर डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉलेट ट्रैप में ये होता है वाइटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, वाइटामिन B12 की डिफिशियंसी होने की वजह से होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, या आप कहते हैं N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो ज्यादातर फॉलेट जो है वो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दूसरी फॉर्म्स कम बनेंगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकेगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकेगा तो लार्ज आरबीसी बनना शुरू हो जाएंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इसको नाम देते हैं। याद एक बात समझ में आ गई, एक डेफिशिएंसी डिस्कस करी, डेफिशिएंसी खास तौर पर एल्कोहलिक्स में पाई जाती है और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आ गई, डेफिशिएंसी की वजह या तो फॉलिक एसिड का इंटेक बहुत थोड़ा है, या फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बहुत थोड़ी है, या कोई ऐसा ड्रग है जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा है, जैसा कि मेथोट्रेक्सिकेट, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इसको इनहिबिट कर लेते हैं। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ये पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है, इसको मोनोग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए एंजाइम होता है फॉलेट कॉन्जुगेज। ठीक है, ये एंजाइम हेल्प कर रहा होता है हमारी फॉलेट एसिड की एब्जॉर्प्शन के अंदर। आखिरी डिफिशियंसी से जो हमने बात खास होकर जिक्र करना है वो ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं फीटस में, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर खास तौर पे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डिफिशियंसी है तो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा और एन एंसेफेली की तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने किसी फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक विटामिन तजवीज किया तो वो विटामिन जरूर बजरूर फॉलिक एसिड ही होगा। तो याद है इसकी बातें खत्म होती हैं। उसके अलावा सोर्सेज की बात की जाए तो फ्रेश वेजिटेबल्स में भी होता है, लिवर में भी होता है, एग में भी होता है, इन सारी जगहों में होता है, सिर्फ मिल्क इसका वीक सोर्स है, बाकी समझ लो हर जगह ही होता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।